आज की इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं एमएस एक्सेल। तो फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था एमएस एक्सेल को किस तरीके से ओपन करते हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएस एक्सेल पहले ओपन कर लें, तो आप एमएस एक्सेल के आइकन पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो। जैसे आपके टास्क बार पर पिन किया गया, तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। आपके पास देख रहे हैं एमएस एक्सेल की एक सीट आ चुकी है। तो इसके पिछली वीडियो में हमने सीखा था रो क्या है, कॉलम क्या है, कॉलम कितने होते हैं, रो कितने होते हैं। तो आज इसमें कुछ कंटेंट लिखना सीखेंगे। सबसे पहले बात करें अपने कर्सर पॉइंटर की। तो हमारे एमएस एक्सेल में कर्सर पॉइंटर जो होता है तीन तरीके, जैसे अभी आप देख रहे हैं मोटा प्लस बना हुआ है, यहाँ जाएंगे तो ये पतला प्लस, इसे फिल कर्सर भी कहते हैं, और ये आपका मूव शेल। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आपके कर्सर की पोजीशन तीन तरीके से बदल रही है। तो शुरू करते हैं यहाँ। जैसे मान लीजिए कोई कॉन्टेक्ट आप कहीं भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। जैसे आप कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई कॉन्टेंट लिखा, जैसे LAKSHY लक्ष्य। जैसे लिखा लक्ष्य, जैसे आप यहाँ पर टाइप किए, आपके पास कोई टेक्स्ट आ गया, और यहाँ पर हमने कोई नंबर लिखना चाहा 1 2 3 4 5, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 एवरीवन कुछ भी। तो आप देख रहे हैं कि जब कोई हम टेक्स्ट लिखते हैं, जब इसमें हम अल्फाबेट डालते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा ए, तो आप देख रहे हैं इसका टेक्स्ट अलाइन में लेफ्ट साइड में, और कोई नंबर डाले हैं तो ये राइट, ये डिफॉल्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी कंटेंट, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, थोड़ा नंबर, जैसे मान लीजिए हमने टाइप से हम कुछ भी, तो आपको छोटे सेल की जरूरत हो तो आप यहाँ से इसको छोटा कर सकते हैं। इसी में आपको कुछ और टाइप करना हुआ, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर टाइप करना हो गया रमेश, आपने किसी का नाम टाइप किया, तो आप देख रहे हैं सेल काफ़ी बड़ा है, और इस तरीके से इसको आप छोटा कर सकते हैं, या आप अपने कॉलम पर जाकर डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक फिट हो जाता है। तो इस तरीके से आप कोई सेल फिट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें नंबर लिखने की, तो आज हम सीखेंगे इसमें इस तरीके से नंबर जनरेट किए जाते हैं। अगर सब कुछ दैट आपको गिनती लिखनी हो 1 2 3, तो आप यहाँ 1 टाइप करिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। दोबारा से आप जैसे 1 को सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ जाएंगे जब आपका ये पतला कर्सर यानी फिल कर्सर बन जाएगा, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को पुश करिए और सीधा ड्रैग करिए। आप देख रहे हैं आपके पास एकदम सिंपल 1 2 3 4 5 जनरेट होता चला गया। इस तरीके से आप कोई नंबर लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, नंबर के साथ साथ अगर आपको मान लीजिए कोई टेबल लिखना हो 2 का 3 का 4 का, तो आप टेबल लिखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से 1 टाइप किया और इस तरीके ड्रैग कर दिया। यहाँ हम 2 टाइप करेंगे और यहाँ 4 टाइप करेंगे। हमने क्या किया, दोनों चीज़ों को आपस में सेलेक्ट करके आप इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, अब अगर आपको 2 से 10 20 30 हमने पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, अब आप यहाँ से जैसे पतला कर्सर बनेगा अपना खींचते रहिए, जितना आपको 6 7 8 13 जितना आपको चाहिए, जैसे मैं मान लीजिए 20 तक, तो यहाँ से आपको लगभग 20, ये देखें 20 तक। तो आपने देखा कि बस एक बार आप ड्रैग कर दीजिए, यहाँ से फॉर्मेट में जाइए, आपको एक कमांड मिलेगा ऑटो फिट कॉलम ब्रेथ। तो आपने देखा किस तरीके से सारी चीज़ें फिट भी हो गई और आपका डेटा भी कलेक्ट, तो आपके पास 2 से लेकर के 20 तक का टेबल बनकर तैयार। बहुत सिंपल तरीके से आप इस तरीके से कोई टेबल बना सकते हैं। और किसी भी टेक्स्ट को मान लीजिए जिसमें इसको बीच में लाना हो, तो हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पर जाएंगे, जैसे ये मूव एरो बनेगा, इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। देख रहे हैं, तो अभी आपके साथ हो क्या आ रहा है कि आपका ये सेल कहीं छोटा कहीं बड़ा कहीं इधर उधर हो रहा है, इसके लिए आपको एक फार्मूला बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, हम एक एक कमांड देखेंगे, बट फार्मूला आप सीख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा कि ये आसानी से आप काम, आपका ये बार बार छोटा बड़ा इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी सीट में जाएंगे और यहाँ राइट बटन क्लिक करेंगे, इसमें आपको मिलेगा व्यू कोड ऑप्शन। जैसे व्यू कोड पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक पैनल खुलेगा, यहाँ जाएंगे जनरल ऑप्शन लिखा है, आप इसको बदलकर वर्कशीट पर क्लिक करिए, तो जिस सीट में काम कर रहे हैं उस पर ये काम करना शुरू होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ कोड ऑप्शन टाइप करना होगा, लिखना है सेल्स
डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑटो ए यू ऑटो फिट पर और बस कर देना है आपको ओके। उसके बाद आप सिंपल से इसे मिनिमाइज कर दीजिए। जैसे ही आप अपने कर्सर को कहीं क्लिक करेंगे, अब आप कुछ भी लिखिए, देखिए एक छोटा सा सेल है बिल्कुल, और जैसे आपने यहाँ मान लीजिए लिख दिया और इंटर कर दिए, तो आप देखिए सेल ऑटोमेटिक इंटर करते ही फिट हो गया। अगर हमें इससे बड़ा कोई नाम लिख दिए, सपोज करिए यहाँ से हमने ये टाइप कर दिया, और उसको करने के बाद अब इसमें थोड़ा और बढ़ा देते हैं, जैसे इसमें जोड़ दिए इंस्टीट्यूट, तो आप देखिए इसके इसका कॉलम और बड़ा हो गया। तो इस तरीके से एक कोड टाइप करते ही आप जितना छोटा बड़ा जिस तरीके से फॉन्ट लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ टाइप कर दिया माउस और इंटर की, अब देखिए उसके बराबर फिट हो गया। तो इस तरीके से एक हमने सिंपल कोड टाइप किया और आपका सेल ऑटोमेटिक फिट हो गया। कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं किस तरीके से हमने इसमें अल्फ़ाबेट डालना सीखा, इसमें नंबर डालना सीखा। अगर हम बात करें इसमें नई सीट लेने की, तो जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए आपके पास एक नई सीट इंसर्ट होकर आ गई। अगर आपको कोई दूसरी सीट लेनी है तो बस आप यहाँ पर क्लिक करिए, जिसकी शॉर्टकट शिफ्ट प्लस या F3 होती है, तो आपने यहाँ सीट 1 सीट 2 सीट 3, इस तरीके से आप अनलिमिटेड सीटें ले सकते हो। अगर हम बात करें किसी सेपरेट डेटा की, तो आप यहाँ से कुछ भी बना सकते हो, जैसे आपका टाइम वेस्ट ना हो तो इसलिए हम आपको कुछ बना बनाया डेटा दिखाते हैं। तो जैसे हमारे पास ये डेटा एक बना बनाया हुआ एक्सेल का, ओपन कर लेते हैं पहले से, तो इसमें देखेंगे बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो यहाँ से इसे आप मैक्सिमाइज कर लीजिए, तो एकदम बिल्कुल सिंपल डेटा देखते हैं, जैसे कोई मार्कशीट जनरेट की गई हो, या फिर हम देखते हैं फीस कैलकुलेशन का, अटेंडेंस शीट का। तो अब हम जैसे मान लीजिए यहाँ देखते हैं स्टूडेंट की DOB निकालना है, स्टेट डे लिखा है। अगर इसमें कोई कॉलम जोड़ना हुआ तो इसको हम बिल्कुल ऐसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, अब देख रहे हैं आपका यहाँ पर क्लिक करते ही पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, और यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे, देखिए आपके पास एक नया आ गया कॉलम। और अगर हम रो इंसर्ट करने की बात करें, तो जहाँ भी जिस भी रो को सेलेक्ट करना चाहो, इसमें आप यहीं से रो इंसर्ट कर सकते हैं। ये तो रो कॉलम इंसर्ट करने की बात हुई। अगर आपको कोई कॉलम सेलेक्ट करना हुआ, डिलीट करना हुआ, तो आप उसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से डिलीट कर लीजिए, और यहाँ से आप रो डिलीट कर लीजिए। तो आपने देखा किस तरीके से रो कॉलम को डिलीट करना, सेलेक्ट करना। अगर हमें एक सीट से दूसरे सीट पे जाना हुआ कीबोर्ड से, तो हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन पुश करेंगे, तो आप देख रहे हैं नेक्स्ट सीट पर आप कैसे सीट बदल पा रहे हैं, और पिछली यानी प्रीवियस सीट पे आना हुआ तो कंट्रोल पेज अप क्लिक करेंगे। तो हमने देखा किस तरीके से एक सीट पर दूसरी सीट पर जा सकते हैं, एक सीट से दूसरी सीट पर जा सकते हैं। और अगर बात करें इसको क्लोज कर दें नए पेज पर जो आप काम कर रहे थे, इसी पर भी हमारे पास 1, 2, 3 सीटें हैं, तो देखो कंट्रोल के साथ आप यहाँ से नेक्स्ट पेज पर जाने के, नेक्स्ट सीट पर जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन पुश करेंगे, तो आप कैसे सीट से, और अगर प्रीवियस सीट पर आना हुआ तो कंट्रोल पेज अप पुश कर देंगे। अगर कोई सेंटेंस मान लीजिए यहाँ जैसे हमने टाइप कर दिया कुछ नंबर, जैसे यहाँ पर हम हेडिंग्स बनी है 1, 2, 3, कुछ नंबर टाइप कर सकते हैं, रैंड बिटवीन टाइप कर दिए, यहाँ से हमने कुछ रैंडमली डेटा देना हो, जैसे 50 से 100 के बीच ना का नंबर जनरेट करना हो, देख रहे हैं किस तरीके से आपको नंबर जनरेट किया कराए मिल गए। तो यहाँ से हमने देखा कुछ नंबर 50 से 100 के बीच का जनरेट कर दिया, ये बार बार चेंज ना हो, जिसको हम कॉपी और पेस्ट वैल्यू में बदल देते हैं। अब आपने देखा जैसे कुछ नंबर लिखा गया है, अगर हमें एक सेल से दूसरे तरफ में जाना है तो टैब का पुश करेंगे, नेक्स्ट सेल पर जाने के लिए हम टैब का, अगर सेल से डाउन आना हुआ तो हम एरो की से डाउन बटन भी पुश करते हैं, बट इंटर के साथ सेल के। तो जैसे आपका कर्सर कहीं पर भी है,
आप चाहते हैं कि हमें नेक्स्ट सेल पर जाना है, तो आप अपने कीबोर्ड से टैब बटन के साथ नेक्स्ट सेल पर जाएंगे, यानी राइट साइड में, और अगर हमें लेफ्ट साइड में आना हुआ तो शिफ्ट के साथ टैब बटन पुश करेंगे। सेल से डाउन आने के लिए आप इंटर पुश कर सकते हैं और शिफ्ट इंटर से आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं, अप सेल की तरफ। तो इस तरीके से आपने शॉर्टकट की के माध्यम से देख रहे हैं, अपने कीबोर्ड के एरो की से भी अप डाउन लेफ्ट राइट कहीं भी आ जा सकते हैं। तो इस तरीके जैसे लेफ्ट एरो से लेफ्ट साइड, राइट एरो से राइट साइड, अप एरो से ऊपर और डाउन से नीचे। अगर किसी कॉलम को सिलेक्ट करना हुआ तो आप शिफ्ट के साथ स्पेस बटन, यदि आपको किसी कॉलम को सिलेक्ट करना हुआ तो कंट्रोल के साथ स्पेस बटन। तो आप देख रहे हैं कॉलम सिलेक्शन हो गया। अगर पूरी एक रो को सिलेक्ट करना हुआ कीबोर्ड से तो आप शिफ्ट के साथ स्पेस बटन क्लिक करेंगे तो देखेंगे पूरी एक रो सेलेक्ट हो गई, और पूरे सीट को तो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस प्रेस कर दीजिए तब भी हो जाएगा, या कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं। जितना डेटा सेलेक्ट होना है अगर कंट्रोल ए पुश करेंगे तो आप अपने कीबोर्ड सीट में लिखे हुए पूरे डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर देख रहे हैं जब कॉर्नर पर जाएंगे यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तब भी आपकी पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी। तो आपने देखा किस तरीके से रो सेलेक्ट करना, कॉलम सेलेक्ट करना, नेक्स्ट सीट पर जाना, प्रीवियस सीट पर जाना, और हमने अप डाउन सेल पर जाना, ये सब चीज़ों को सीखा। अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।